हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बच्चों में टाइफाइड फीवर का बेस्ट इलाज। यानी कि इस समय जो चल रहा है वो रेनी सीजन का है, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में टाइफाइड फीवर होना एक आम सी बीमारी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बी केयरफुल, बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह टाइफाइड के चांस बन सकते हैं आपके बच्चों में सर। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट इलाज, और आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, मेरी वीडियो पर बने रहें सर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉजेटिव एजेंट सर। कॉजेटिव एजेंट बच्चों में टाइफाइड फीवर के कारण क्या होते हैं? व्हाट इज द कॉजेज ऑफ टाइफाइड फीवर इन अ चाइल्ड सर? तो टाइफाइड फीवर में चाइल्ड के कॉजेज होते हैं सर, कॉजेटिव एजेंट होता है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होती है वह कैसे आपके बच्चे के शरीर में टाइफाइड फीवर को बढ़ाती है? तो कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर, जब आपका बच्चा कंटामिनेटेड फूड्स के संपर्क में जाता है यानी कि ग्रहण करता है, या कंटामिनेटेड वाटर एंड दूषित वाटर को ग्रहण करता है सर, तो टाइफाइड फीवर होने का चांस बढ़ जाता है सर। और इसे क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं सर। इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है, यानी कि टाइफाइड फीवर नोन एज अ इंटेस्टाइनल फीवर। ओके फ्रेंड्स, नाउ वील टेल यू अबाउट द सिम्टम्स, यानी कि लक्षण। बच्चों में टाइफाइड फीवर के लक्षण के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे सर। टाइफाइड फीवर का लक्षण क्या होगा? टाइफाइड फीवर में तेज बुखार, शरीर में दर्द, बैक पेन, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया यानी कि दस्त होने के जो चांस होते हैं वह बढ़ जाते हैं सर। इसलिए दस्त होने के चांस बढ़ जाते हैं बिकॉज यह इंटेस्टाइन को अफेक्टेड करता है सर। पेट में दर्द ड्यू टू सल्मोनेला टाइफी। चक्कर आना सर, चक्कर आ सकता है बहुत ज़्यादा। वीकनेस महसूस हो सकती है सर, भूख की कमी हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, और आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन हो सकता है सर। यानी कि इन सारे सिम्टम्स अगर आपके बच्चों में दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाए कि आपका बच्चा टाइफाइड फीवर से ग्रसित है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपके बच्चे की टाइफाइड टेस्ट करानी पड़ेगी सर। तो टाइफाइड टेस्ट कौन सी कराई जाती है सर? विडाल टेस्ट बाय स्लाइड, यानी कि स्लाइड पर आपके बच्चों के ब्लड के कुछ सैंपल यहाँ पे डाले जाते हैं सर, और इनमें से जो केमिकल्स होते हैं 1:1 मिक्स किया जाता है, और वह जो ब्लड के सैंपल होते हैं इन जो सर्कल बनी हुई है उसके बीच में होते हैं सर, और उसमें जो सैंपल में कुछ चेंजेस आते हैं उस हिसाब से यह डिसाइड किया जाता है कि टाइफाइड का लेवल कितना है सर। और एक दूसरा टेस्ट होता है विडाल टेस्ट बाय किट, यह किट के माध्यम से विडाल का टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे कॉर्नर में आपके ब्लड के सैंपल ड्रॉप किए जाते हैं, और ब्लड के सैंपल ड्रॉप करने के कुछ मिनटों के बाद अगर यहाँ पे डबल लाइन आ गई, इट मींस ब्लड टेस्ट टाइफाइड पॉजिटिव है सर। अगर सिंगल लाइन आ गई, इट मींस ब्लड टेस्ट निगेटिव है सर। तो टाइफाइड फीवर की जांच कैसे करेंगे वह हमने आपको बता दी सर। अब हम आपको बताएंगे टाइफाइड में, बच्चों में टाइफाइड का इलाज कैसे किया जाता है। हाउ विल ट्रीट टाइफाइड फीवर इन अ चाइल्ड? तो सबसे पहली मेडिसिन T98DS 250 mg, 250 mg T98DS, जिसमें पैरासीटामोल 250 mg होता है सर। अगर आपके बच्चे की आयु 3 to 5 years है, यानी कि 3 से 5 साल की अगर आपके बच्चे की आयु है, तो आप 5 ml TDS दे सकते हो। 5 ml दिन में 3 बार अपने बच्चे को पैरासीटामोल के सिरप को दे सकते हो सर। और नेक्स्ट एंटीबायोटिक की बात करते हैं सर, गुडसेफ सीवी में होता है सेफोपोडॉक्सिन एंड पोरेक्सटाइल सस्पेंशन सर। गुडसेफ प्लेन है, गुडसेफ सीवी में पोटेशियम क्लाइविनिक एसिड के साथ में होता है सर। ये गुडसेफ सीवी भी आप अपने बच्चे को दे सकते हो, या गुडसेफ दे सकते हो सर। गुडसेफ सीवी में एक फार्मूला बढ़ जाता है सर, ठीक है। तो ये 100 mg का जो फार्मूला है, 3 to 5 ईयर के बच्चे को आप 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार गुडसेफ सीवी एंटीबायोटिक दे सकते हो। बिकॉज टाइफाइड फीवर जो होता है एंटीबायोटिक थेरेपी होती है, बिना एंटीबायोटिक थेरेपी के टाइफाइड फीवर का इलाज करना असंभव है सर।
अब आते हैं फ्लोरा बीसी। फ्लोरा बीसी में लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है विथ विटामिन्स। कुछ विटामिन्स इसमें होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारे विटामिन्स का मिक्सचर होता है विथ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का काम होता है सर आपके बच्चे को जो पॉटी होती है या जो अपच होता है उसको सही करता है, एंड विटामिन्स जो आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन या कमजोरी का असर होता है उसे सही करता है। तो 3 to 5 years के बच्चे को हम 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं सर। अब आते हैं सिपान सिरप पे, क्योंकि टाइफाइड फीवर में भूख की कमी होती है सर, तो सिपान सिरप बहुत ही बेस्ट सिरप है सर। इसमें सिप्रोहेप्टाडीन होता है जो एपेटाइजर यानी कि भूख की कमी को सही करता है सर। 3 to 5 ml अगर आपके बच्चे की उम्र है तो 3.5 यानी कि 3.5 ml दिन में 2 बार आफ्टर मील आप दे सकते हो सर। अगर आपके बच्चे के पेट में बहुत तेज दर्द है सर तो मेफ्टाल इस्पात सिरप को दिया जा सकता है सर, या तो अगर फीवर उतारने में अगर हर दवाएं काम नहीं कर रही हैं तो भी मेफ्टाल इस्पात आपके बच्चे के फीवर को भी डिक्रीज करता है सर। इसमें डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड स्मीथकोन सस्पेंशन होता है सर, इसमें पैरासीटामोल भी होता है। और मेफ्टाल इस्पात सिरप अगर आप 3 से 5 उम्र है अगर आपके बच्चे की तो आप 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो सर। अब आते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन पे सर। इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है अगर आपके बच्चे को टाइफाइड फीवर हुआ है तो। इंजेक्शन एमिकासिन 100 mg यानी कि 100 mg एमिकासिन इंजेक्शन और इंजेक्शन 250 mg सेफ्ट्रिएक्साजोन, इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके बच्चे को BD यानी कि दिन में 2 बार लगाना है सर। इसको दिन में 2 बार आप अपने बच्चे को दे सकते हो। बहुत ही सेफ और बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है सर टाइफाइड फीवर का। अब हम आते हैं मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन के बारे में। अब हम आपको बताते हैं मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन के बारे में। मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन 500 mg का इस्तेमाल 5 से 10 साल की उम्र वाले बच्चों में करते हैं सर। इसे दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इस तरीके से यह एंटीबायोटिक थेरेपी के माध्यम से आप अपने बच्चे में हुए टाइफाइड फीवर यानी कि अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हो सर।